हुनर नारी शक्ति के बैनर तले रविवार को BSNL चौक सेक्टर 1 से सेक्टर 5 तक पिंक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। पिंक मैराथन में बड़ी संख्या में नारी शक्ति ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव उपस्थित हुए और महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। नारी उत्थान और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने संकल्पित संस्था हुनर नारी शक्ति द्वारा रविवार को पिंक मैराथन का आयोजन किया गया। BSNL चौक सेक्टर 1 से सेक्टर 5 आई लव भिलाई चौक से होकर पिंक मैराथन का समापन वापस BSNL चौक में हुआ। समस्त प्रतिभागियों को टी शर्ट आयोजकों की ओर से निःशुल्क प्रदान की गई। पिंक मैराथन में प्रथम 50 प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। पिंक मैराथन में शामिल होने BSNL चौक सेक्टर 1 में सुबह 6 बजे से ही सभी आयु वर्ग की महिलाओं का पहुंचना आरंभ हो गया था। 7 बजे तक सैकड़ों की संख्या में महिलाएं यहां एकत्रित हो चुकी थी। सभी को आयोजन समिति द्वारा टी शर्ट प्रदान की गई। मैराथन शुरू होने के पूर्व सभी को गाइडलाइन की जानकारियां दी गई। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने सभी महिलाओं का उत्साहवर्धन किया और प्रत्येक महिलाओं से इस तरह के आयोजनों में शामिल होने की अपील की। SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने झंडी दिखाकर पिंक मैराथन को रवाना किया। आयोजन को लेकर SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सेक्टर 1 भिलाई में पिंक मैराथन का ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां पे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आई हैं। ये महिला शक्ति को प्रदर्शित करेगा, महिलाओं में कॉन्फिडेंस को दिखाएगा कि सुबह सुबह महिलाएँ आकर जो है वो दौड़ रही हैं। यहाँ पे हर्बल और फूलों से होली भी खेली जाएगी, जो कि दिखाएगा कि जो आने वाला जो होली त्यौहार है उसमें हम केमिकल का उपयोग कम से कम करें और शांतिपूर्वक होली खेलें। महिलाएं घर में जाकर अपने बच्चों को, अपने जो पुरुष हैं उनको बता सकते हैं कि होली जो है शांतिपूर्वक खेलना है। इस बार होली चाकू छुरी इसका इस्तेमाल ना करके रंगों की होली हो, शांतिपूर्वक होली हो। होली की सभी को मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। और ये इतने बड़े आयोजन जो दुर्ग जिले में हुआ है पिंक मैराथन, जिसमें कि सैकड़ों संख्या में महिलाएँ आई हैं, इसका उद्देश्य है कि महिलाओं का कॉन्फिडेंस शो करना, जो दुर्ग में जो कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति है उसको दिखाना और आने वाला जो होली त्यौहार है उसको शांतिपूर्वक हम करें उसका मैसेज देना। आयोजन समिति हुनर नारी शक्ति के प्रमुख वरिष्ठ पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने आयोजन के उद्देश्यों को बताया। पिंक मैराथन का आयोजन आज यहाँ से सेक्टर 1 के BSNL चौक से चालू होकर सेक्टर 5 का 7 मिलियन चौक होते हुए वापस यहीं समाप्त होगा। उसके बाद होली मिलन समारोह, फूलों की होली का कार्यक्रम है यहाँ पे। और आज ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है कि 8 तारीख को होली है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 तारीख को है, और उस दिन होली कारण ये आयोजन नहीं हो पाता, इसलिए आज ये आयोजन किया है। पिंक मैराथन में शामिल होने आई महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशनुमा माहौल है यहाँ पे। हम लोगों ने ये जो अभी वेमेंस डे है, 8 मार्च को जो इंटरनेशनल वेमेंस डे है, उसके उपलक्ष्य में हमने फर्स्ट इवेंट रखा है जो पिंक मैराथन है। तो इसमें समिति द्वारा सभी को निःशुल्क टी शर्ट और कैप दिए जा रहे हैं, और इसमें जो फर्स्ट 50 जो आएंगे, है ना, ये रनिंग कॉम्पिटिशन वॉक है जिसको नहीं करना है, तो जो भी 50 आएंगे उनको मेडल दिया जाएगा, मेडल से सम्मानित किया जाएगा। आज ये आयोजन जो हो रहा है नारी शक्ति को दिखाने के लिए, उससे हम बहुत उत्साहित हैं। इतनी संख्या में नारियां आई हैं एक दूसरे का समर्थन करने, और हम दुर्ग जिला के IDA को रिप्रेजेंट करते हैं जो एक डेंटिस्ट एसोसिएशन है, और स्वास्थ्य के इसमें मुख्य स्वास्थ्य या ओरल हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी शरीर के स्वास्थ्य का द्वार है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो आप अपने सारे स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, वैसे ही अपने मुख का भी ख्याल रख रहे हैं। हमेशा 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को विजिट करिए, अपने दांतों को अच्छा रखिए और स्वस्थ रहिए। कार्यक्रम के अंत में फूलों की होली खेली गई। उपस्थित सभी लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर DSP ट्रैफिक सतीश ठाकुर, भट्टी थाना प्रभारी श्री कुशवाहा के अलावा विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।